चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों की महाहड़ताल खत्म हो गई है। मुख्य सचिव और कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता सफल रही। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने महाहड़ताल खत्म करा दी है। दो दिन से हड़ताल चल रही थी। 16 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल थे। सरकार ने कर्मचारियों की आधा दर्जन मांगों को मान लिया है और उसके बाद यहाँ पर ये समझौता हुआ और यह हड़ताल वापस ली गई। एहतेशाम हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट है। एहतेशाम, पिछले दो दिनों की अगर हम बात करें तो काफी नुकसान यहां पर हुआ है और अब जाकर ये हड़ताल यहां पर खत्म हो गई। कौन कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं जो मान ली गई और उसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल खत्म हो गई है। दो दिनों की हड़ताल में 1600 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 3 घंटे मैराथन मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ है कि जो सबसे बड़ी मांग है सरकार की, उसको पूरी करनी थी कैशलेस सुविधा देने की, उस पर फैसला हो गया है। उसका बकायदा नोट जारी हो गया है और सरकार ने बकायदा उसके लिखित समझौता किया है कि कैबिनेट से पास कराकर 15 दिनों के अंदर हम कैशलेस की सुविधा तमाम उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को देंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या थी इनकी वेतन विसंगतियां, उसको उस पर लिखित समझौता हो गया है। सरकार ने जो एचआरए बढ़ाया था वो कर्मचारियों काफी कम था। कर्मचारी केंद्र के समान एचआरए चाह रहे थे, उसको बढ़ाने की सहमति बन गई है। साथ ही से सबसे बड़ी मांग थी जो मोटरसाइकिल भत्ता कम मिल रहा है उसको बढ़ाने की बात चल रही थी, उस पर सहमति बन गई। जो करीब 1 दर्जन मांगों पर लिखित समझौता हो गया है। कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको कैबिनेट से पास कराकर चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों को देना चाहती है और कहीं भी सरकार अपने कर्मचारियों को। चलिए, बहरहाल ये रात की खबर है कि हड़ताल यहाँ पर खत्म हो गई क्योंकि इन दो दिनों में काफी नुकसान सरकार का हो चुका है इस हड़ताल की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आते शाम आपका इस्तेमाल जानकारी।